नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आप सभी का। दर्शकों, आज से हम हस्ताक्षर वाणी और आप कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी समस्याओं का समाधान करने की, आपकी परेशानियों का हल निकालने की। जैसा कि आपको इस कार्यक्रम के नाम से ही पता चलता होगा, हस्ताक्षर और वाणी, इस कार्यक्रम के माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को सुलझाने की। तो अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो आप हमें हस्ताक्षर और अपना नाम, बर्थ प्लेस भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हस्ताक्षर भी नहीं भेजना चाहते तो आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं का हल हम बताएंगे, साथ ही बताएंगे राशिफल भी। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतानवेशी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका कॉल लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। कुंभेति सोमा, कुंभेति सोमा श्रवणो नक्षत्रम, कुंभ में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र और इसका 12 भावों पर इसकी अभिव्यक्ति, आओ जरा देखें। मेष, साहसिक कार्यों की अभिव्यक्ति का समय, किसी भी तरह से आत्मविश्वास हिलाया नहीं हिलेगा आपका आज। ब्रश, कार्य क्षेत्र के विस्तार, व्यापारिक पृष्ठभूमि, प्रोफेशनल सेंटर में अपने आप को चमकते हुए पाएंगे। मिथुन, रोजमर्रा यानी दैनिक दिनचर्या से हटकर चिंतन सात्विक शाश्वत ही रहता है आज। कर्क, मूल चरित्र को समझना होगा अपने स्वरूप से हटकर, किसी और के प्रभाव को लेकर विचार और कार्यों में तब्दीली नहीं करना है आज। सिंह, रुचिकर भोजन के प्रति अहेतुकी मोह स्वास्थ्य खराब कर सकता है आज। कन्या, आज यात्रा के माध्यम से लोकप्रियता, यश या सम्मान की स्थितियां हजारों की भीड़ में नूर की तरह चमकते दिखाई पड़ते हैं आप जी। गुरुजी, जैसा कि आज हस्ताक्षर और वाणी से आप लोगों का भविष्य बताने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अलावा भी, तो जानना चाहेंगे कि वाणी से किसी का भविष्य कैसे पता चल सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इस विश्व में राम रावण युद्ध केवल वाणी पर हुआ, महाभारत का युद्ध केवल वाणी पर हुआ और वाणी से ही समस्त ब्रह्मांड का विकास और स्पंदन है। रावण ने वाणी पर ही मामा मारीच को कहा था कि लक्ष्मण की वाणी और सीता की वाणी और राम की वाणी का अध्ययन करके उन्हें छल किया जाए जी। यानी वाणी वो शाश्वत शब्द है जो आप जैसे ही बोलते हैं वो आकाश मंडल में घूमता रहता है। आप देखें कि मन समेत जय जानू न बाणी, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड एक्सप्रेशन, बियॉन्ड गेस, बियॉन्ड स्पेकुलेशन, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड इलॉजिक इज साउंड। और इस कारण से अक्षरम अव्यक्तम ब्रह्म, शब्द ही मूल है, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो लिखा हुआ हो और चाहे वो अभिव्यक्ति से हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में शब्द की अभिव्यक्ति और शब्द ही मूल है, जिससे व्यक्ति के जीवन को जाना ही नहीं जा सकता, अपितु 10,000 वर्ष पीछे के शब्द जो बोले गए हैं उनकी अभिव्यक्ति भी आपके हस्ताक्षर में निहित होता है जी। गुरु जी, जानना चाहेंगे आपसे वाणी और ज्योतिष का क्या संबंध है आपस में? ज्योतिष और वाणी अलग अलग नहीं है जी। जैसे ही बालक का जन्म होता है या कोई बेबी इस मृत्यु लोक में आता है तो वो पहला शब्द निकालता है कहाँ कहाँ कहाँ, वेयर हैव आई कम, वेयर हैव आई कम। जानवर का बच्चा, गाय का बच्चा बोलता है अहम्मा और मानव का बच्चा बोलता है माँ। यानी चंद्रमा के द्वारा उत्पत्ति होने के कारण
चंद्रमा शरीरो स्याता, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा ही मन है और चंद्रमा ही शरीर है, चंद्रमा से ही वनस्पतियां हैं, चंद्रमा ही जल है, चंद्रमा ही लक्ष्मी है, चंद्रमा ही माता है। यानी चंद्रमा ही मूल तत्व के रूप में होने के कारण ज्योतिष विज्ञान बारिश की अभिव्यक्ति का मूल प्रमाण है। जी गुरु जी, तो जैसा आपने कहा, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वो कहता है मैं कहाँ आ गया, तो क्या बच्चे का भविष्य वाणी सुनकर जाना जा सकता है? जो ब्रह्मा ने लिख दियो और छठी रात को अंको, और आई घटई न तिल बढ़ई और अहुरे जीव निशंको। जिस दिन बालक जन्म लेता है इस धारा पर, उसके छठे दिन उसके मस्तक पर, जिसको छठी कहते हो, आठ चीजें उसके मस्तक या ललाट पर लिख दी जाती हैं और चार चीजें उसके हाथों में लिखी जाती हैं और चार चीजें उसके पैरों में लिखी जाती हैं क्रमशः। इस कारण से ये शरीर जन्म लेने के पश्चात 16 संस्कारों में विभक्त हो जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी आपको वाणी से और हस्ताक्षर से आपके बारे में बता सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, एक कॉल हमारे पास आया है जो कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी जी, आपका नाम बताइए। जी छीतर जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम छीतर खान है और मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुरुजी, छीतर जी हैं जो अपने करियर के लिए पूछना चाहते हैं। छीतर जी, आवाज अभिव्यक्ति के, व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति का प्रमाण है। साउंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। आपकी साउंड से जो प्रमाण मिलता है, ध्वनि से जो प्रमाण मिलता है, उसके आधार पर इस समय जब साउंड आई है, आपने मटमैले रंग के लाइन से युक्त या सफेद लाइन से युक्त वस्त्र धारण कर रखा है। पहला प्रमाण यह आया। नीचे बिलो बेल्ट ब्लूइश ब्लैकिश एंड ऊपर भी ब्लूइश विद व्हाइट स्ट्रिप्स। ऐसा प्रमाण मिलने के बाद अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 7 वर्ष 6 माह एक स्थान पर कार्य करने का प्रमाण होने के उपरांत आप अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त अच्छा पद स्थायी रूप से अगले 15 वर्षों के लिए प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आपकी वॉइस या वाक्य से सिद्ध होता हुआ पाया जाता है। जी गुरुजी, एक मेल भी ले लेते हैं। राजेंद्र जी का मेल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1990 और ये समय बताते हैं 8:45 का रात का। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है बाड़मेर का। ये बाड़मेर से हमें प्रश्न करते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि ये आरएएस की सफलता कैसे मिलेगी, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 8 चौको 32 और 3 और 2 5 यानी 8 मई 2018 के उपरांत दिए गए आवेदन, ली गई परीक्षाएं और लिए गए साक्षात्कारों में आपके चयनित होने का क्रमांक क्रमशः टैक्सेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखा जाता है। तो राजेंद्र जी, आप खुश हो जाइए, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आपका आरएएस में बिल्कुल चयन हो जाएगा। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और गौरव जी का मेल ले लेते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1991 और ये समय बताते हैं 7:15 का शाम का। ये अपना प्लेस बताते हैं अजमेर का। ये कहते हैं कि मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, मुझे किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए? गौरव जी, 15 और 7 22 4 चार समुद्र है। सामुद्रिक बेल्ट में समुद्र के किनारे आपको कार्य करने के प्रमाण मिलते हैं। एक लाइन निकल के आ गई। एंड बीट्स एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट फॉरेन लैंड, यानी या तो यह सामुद्रिक बेल्ट विदेशी भूमि में है या भारत की भूमि में, क्योंकि समुद्र किसी एक देश का नहीं होता, वो देश का भी होता है और विदेश का भी होता है। इसलिए यहाँ से ही आपके व्यापारिक पृष्ठभूमि को विस्तार करने के क्रमांक मिलते हैं।
जी गुरुजी, हमारे पास जैसा कि हम हस्ताक्षर से भी बात कर रहे हैं कि भविष्य पता चल सकता है, तो ऋतु जी का मेल आया है हमारे पास अजमेर से, जिनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम इन्हें नहीं पता है, लेकिन ये पूछना चाहती हैं शादी कब होगी। इन्होंने अपने हस्ताक्षर भेजे हैं। अनुमान तो होगा कि कितने वर्ष के हो गए होंगे, ये ज्ञान तो होना चाहिए। जी ये कहती हैं कि 26 वर्ष की हो चुकी हैं ये। ओके, सा और ग हस्ताक्षर इनका 9 नंबर यानी सेगिटेरियस नंबर की अभिव्यक्ति करता है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 यानी 3 मार्च 2018 जो बीत चुका, यहां इनके पास कोई प्रस्ताव आया है और रितस्य सत्यंचा ही द्वादप यानी ताथा दधन्ना नाम से इनके पति के क्रमांक मिलते हैं, बीटे के एमबीए कार्यरत ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आफ्टर 9 सितंबर 2018 विवाह तय हो जाता है, सारी टेंट बुकिंग भले 6 महीने बाद करें। जी बिल्कुल, तो ऋतु जी आपको गुरुजी ने बता दिया है कि आपकी शादी कब होने वाली है, तो आप खुश हो जाइए। चलिए दर्शकों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान आगे भी जानते रहेंगे।